बाबा बागेश्वर का दिल्ली में दिव्य दर 17 तारीख को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार और सिरहंदमत कथा लगने जा रहा है। हाल से बाबा की भव्य कलश यात्रा से शुभ आरंभ हुआ। जिस तरीके से दरबार का पहला चरण, इसमें हम आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरी बार बाबा बागेश्वर धाम की आगमन को लेकर खूब जोरों से तैयारी किया गया। आयोजक के मुताबिक हम आपको बता दें कि लाखों की संख्या में भक्त आ सकते हैं और इस पंडाल के अंदर लाखों से ज्यादा भक्त बैठ सकते हैं। खाने का, रहने का, पीने का व्यवस्था, पानी पीने का व्यवस्था भी रहेगा। इसमें दूर दूर से राजधानी दिल्ली में हजारों भक्त बाबा से मिलेंगे। दिव्य दरबार बताई गई है कि 17 तारीख को है तो सुबह 10 बजे से बाबा के दिव्य दरबार लग जाएगा, जिसमें 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद बाबा की श्री राम कथा और हनुमंत कथा लगेगा। पूर्व दिल्ली सीवीडी ग्राउंड में 3 दिवस से हनुमंत कथा को लेकर जिस तरीके से आज भव्य कलश यात्रा से बाबा के दिव्य दरबार शुरुआत हुआ, इसमें बताई गई है कि शुरुआती के दिन 16 तारीख को बाबा योगा के बाबा रामदेव के द्वारा यह कथा के प्रारंभ होगा। इस बात को लेकर जिस तरीके से बाबा दूसरी बार दिन के शास्त्री अपनी दिव्य दरबार और श्री हनुमंत कथा जो है पूर्वी दिल्ली सीवीडी ग्राउंड में लगाने जा रहा है। 16-17 को बाबा की जो है श्री हनुमंत कथा और राम कथा, जिसमें 17 को बाबा सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार लगाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो 18 की बाबा की हनुमंत कथा होगी। इस 3 दिन की दिव्य दरबार और श्री हनुमंत कथा में बाबा दूसरी बार राजधानी दिल्ली के अंदर अपना जो है जलवा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा की पहला सोर्स रहता है, जिसमें बाबा हर अपने वो कार्यक्रम और उस कथा में कहते हैं जिसमें धीरेन्द्र के शास्त्री अपनी पर्चा तो एक बहाना है, बाकी में आपको हिंदू और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाना है। इस तरीके का उनका एक ही आवाज और एक ही नारा रहता है। एक बार फिर से बाबा की दिव्य दरबार को लेकर सुर्खियों में जब दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में पर्चा बाबा की खुली तो बाबा को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आए। तो दोस्तों, धीरेन्द्र के शास्त्री के से एक बार फिर से मैं बता दूं कि बाबा पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जो है दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड, जिसमें पूर्व दिल्ली के अंदर बताई जाती है, ये पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।